ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं पेप्सी एक्स्ट्रा कवर। अभी नहीं अब वक्त हो गया है आपके पेप्सी एक्स्ट्रा ओपिनियन का और खबर ये है कि इस वक्त इंडिया फील्डिंग करेगा लेकिन श्रीलंका के बहुत अहम प्लेयर मलिंगा आज का मैच नहीं खेल रहे। प्रोबेबली वो आउट ऑफ द टूर्नामेंट है क्योंकि उसको जो चोट लगी है मेरा नहीं ख्याल वो रिकवर होगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एशिया कप और अच्छा भी यही है उनकी टीम के लिए कि वर्ल्ड कप के लिए उसको रेडी कर लें। सो आई थिंक वो रिस्क नहीं लेंगे एशिया कप में मजीद खेलने का ना उनकी मैनेजमेंट लेगी। मलिंगी बीमार हो गई है मलिंगी जेड़ा बीमार हो गई मलंगा दोनों एक मिनट वो एक्स्ट्रा ओपिनियन दे रहे हैं यार खान साहब एक सेकंड। हाँ जी तो बस इंडिया के लिए पहले भी आसान ही थी और अब थोड़ी सी और हो गई आप समझे 20-25% और उनकी फेवर में चली गई है मलिंगा के ना होने से। इस वन बॉलर जो रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड T20 के सर्किट में स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में आता है। सो उसका ना होना प्रेशर ऑफ फ्रॉम द न्यू बॉल जो बैट्समैन ओपनर्स आएंगे इंडिया के वो इतना प्रेशर नहीं होगा। सो आई थिंक श्रीलंका हैज अ ह्यूज लॉस इन फेस ऑफ मलिंगा नॉट प्लेइंग और अदरवाइज भी अगर देखें तो इस टीम के साथ श्रीलंका का इंडिया के साथ कोई मैच नहीं है विद द बंच ऑफ बॉयज दे हैव कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी एक आधा स्पेल या एक इनिंग कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी आप देखें तो फिर शायद चांस है कि इंडिया हार जाए वरना मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया हारता है इस मैच। ठीक है श्रीलंका तो पहले भी जो बात आपने की थी उसके मुकाबले की टीम नहीं है फिर उनका मेन जो बॉलर है वो भी नहीं खेल रहा। तो ये तो एक्स्ट्रा वो जीत गए ना मिरेकुलस परफॉर्मेंस एक चाहिए होगी इंडिया को हराने के लिए। जैसे बदवामा करिए तो फिर इंडिया हार सके बदुआ से मुझे याद आया ठीक है सामने एक बदुआ बैठी है इनके बारे में क्या कहेंगे उन्होंने तो करो बदुआ लगी कि जा तेरे सिरजे को बाल ही ना रहे। मैनू कहते क्रिस गेल ले लो बड़ा मारेगा उन्हें इन्ना कमा रहा जो तो हॉस्पिटल जाके आके खोल ली तो मेरे सराहने डॉक्टर कह रहे थे दैट अगेन गन स्टाइल सिर दुबार वापस आ सकते मेरे नाल चले सिर नाई का पीपा खाली होर लकीर पै जाने पैर वाल आ सकते ना कान कसया करो अपने वे वे वाल निकल आवे थे मलंगे तो भी वे हो जाएंगे खाना को जरा आप समझाना मेरा सवाल ये है की जयवर्धन और संगकारा एक वक्त में चले गए कि एक नुकसान दे रहा है ना श्रीलंका के लिए। ऑब्वियसली दोनों श्रीलंका के नहीं दुनिया के टॉप प्लेयर्स में थे दोनों टॉप बेशक अगर 10 प्लेयर्स में दोनों का नाम लिया जाए तो बिल्कुल मेरिट सेट की बात नहीं होगी। सो ऑब्वियसली उनके जाने से बैटिंग में बहुत बड़ा गैप आया श्रीलंका की और पीछे जैसे हमने बात की कि इंडिया के पास हर प्लेयर का मतबादल मौजूद होता है इनके पीछे जिन लड़कों को अब ये लेकर आए हैं वो लग रहा है कि दे आर फार अवे फ्रॉम दैट क्लास इनको बहुत खेलना पड़ेगा उस लेवल तक आने के लिए। सो आई थिंक श्रीलंका के पास बहुत दे हैव अलॉट टू रीबिल्ड ऑन बहुत सारी चीजें उन्हें रिकैप्चर करनी पड़ेंगी एक्सपीरियंस वाइज भी वो दोनों दे वर मल्टी टैलेंटेड लीडर्स भी थे बेहतरीन प्लेयर थे और हर फॉर्मेट खेलते थे। आई थिंक दे वर द बैकबोन ऑफ श्रीलंका ऑब्वियसली तो ये अलोंग विद दिलशान एंड मलिंगा ये चार पिलर्स है श्रीलंका की टीम के इनके अलावा तो टीम उनकी आप समझेंगे बचाए दिलशान और मलिंगा बेचारा बहुत बीमार रहता है दे विल हैव अ टफ टाइम बड़ी टीमों के अलावा हो सकता है ये जीत जाए ठीक है होने को कुछ भी हो सकता है क्रिकेट इज अ गेम फिर कुछ भी हो सकता है। विराट कोहली कैसा लगता है आपको एज अ प्लेयर जी बहुत अच्छा अच्छा लगता है बहुत अच्छा अच्छा वैसे मुझे भी लगता है लेकिन पाकिस्तानी हूँ मैं मेरी पाकिस्तानी टीम पे मैं आपको इसमें तो हम कुछ नहीं कहते पाकिस्तानी जैसे हमारे एक्टर्स हैं या प्लेयर्स हैं ये तो सबके वो जैसे मुझे राहुल ड्राइवर बहुत अच्छा लगता था आपको पसंद है तो मैं आपको जरा प्रोफाइल दिखा देती हूँ विराट कोहली की देखे
T20 के फॉर्मेट में जिस बंदे की 50 रन की एवरेज हो और 136 का स्ट्राइक रेट हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं, और बैटिंग एट नंबर 3, ये भी नहीं कि कोई लोअर ऑर्डर का प्लेयर है जिसकी एवरेज नॉट आउट आने की वजह से आया है। सो आई थिंक ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर के स्टैट्स हैं और हर परफॉर्मेंस उसकी जो है वो लोगों को बार बार रिमाइंड कराती है कि मैं वर्ल्ड क्लास हूँ। पिछले मैच में हमारे साथ वीनो ने ज्यादती की थी, लेकिन फिर भी एक बार जोरदार तालियां बजा दे मेरा। खाली प्लेयर भी प्लेयर ही अच्छा नहीं है, इंसान भी बड़ा है। उसने आके वापस आमिर की भी बहुत तारीफ की, ये भी बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि जैसे अल्लाह इज्जत दे वो दूसरों को भी इज्जत। और मानना लोगों के सामने आके कि मुझे प्रेशर था और बड़ी अच्छी बॉलिंग, उस वक्त जैसी बॉलिंग आमिर कर रहा था कोई भी प्लेयर आउट हो सकता था। आई थिंक ही वाज लकी, एक दो मौकों पे तो बड़ी किस्मत से बचे। नेक्स्ट प्लेयर दिखाइए जी, बहुत अच्छे प्लेयर रोहित शर्मा। अगेन एवरेज भी हेल्दी है और स्ट्राइक रेट भी, और जितना स्ट्रोक जितना रेंज ऑफ स्ट्रोक्स इसके पास है, इंडिया की टीम में किसी के पास इतने स्ट्रोक्स नहीं है। इवन कोहली से ज्यादा शॉट मेकिंग एबिलिटी इसकी है। ये वाइस प्लेयर है जिसके वनडे में 200 है और दोनों ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। सो ही इज वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स। और अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के टूर पे 5 मैचेस की सीरीज थी तो 3 सेंचुरियां उधर। अभी उस दिन जो आमिर ने बॉलिंग की थी वो इनकी टांग पर लगी थी, इनको चोट लगी थी, लेकिन ये फिर से ठीक हो गए, खेल रहे हैं। ये बिल्कुल आई थिंक वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स इंडिया एवर प्रोड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्मेट। सो और बाकी फॉर्मेट्स में भी रन्स करता है, सो इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर टू। बाहर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस देखी अभी तक आपने जितने मैचेस हुए? ये भी थोड़ा सा तो नहीं देख पाया जो 2-3 मैचेस हुए, क्योंकि मैं शूट पे काफी बिजी रहा, लेकिन ओवरऑल देखा है। आई थिंक इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। अकेले खड़े होकर T20 में 80 कर जाना और अगली टीम को हरा देना। आई थिंक जितना इंडिया बैटिंग में ब्लेस्ड है, पाकिस्तान को अल्लाह ने बॉलर्स उतने बड़े दिए। अगर आप इंडिया बॉलर नहीं प्रोड्यूस कर सकता जैसे पाकिस्तान के आते हैं, और कंप्लीटली गॉड गिफ्टेड एबिलिटी होती है, आप जिस मर्जी दुनिया के कोच को कहें कि आमिर या आसिफ या वकार भाई या वसीम भाई या इमरान खान या अब्दुल कादिर साहब, इनके जैसा कोई बॉलर निकाल के दिखा दे, सारी दुनिया में निकल आते हैं। श्रीलंका का प्लेयर प्रोफाइल दिखाइए, जमीरा। मैं तो बेचारा बाबा कमजोर हो रहे हैं ना। ये सहावत भाई, ये नया बॉलर आया और ये 140 और 150 किलोमीटर को टच करता है बॉलिंग में, इतना तेज है और लंबा कद भी है। जब इसकी सेहत ठीक हो जाएगी ना तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। यानी कि जब ये सेहत पकड़ लेगा तैयार हो जाएंगे ना पूरी तरह, तो काफी मुश्किल पैदा करेंगे। चल तो भाजपा आ रहे हैं। चलिए जी, नेक्स्ट प्रोफाइल दिखाइए। अंजना है, श्रीलंका के एक ऐसे बॉलर है जिन्होंने मतलब काफी मैचेस श्रीलंका को जिताए हैं, और स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है टेस्ट क्रिकेट में। तो वैसे तो फिजिक से ये पहलवान लगते हैं, लेकिन क्रिकेटर बहुत अच्छा है। पहलवान भी हो जिन्हें डर सकते, यानी कि दो बेहतरीन प्लेयर्स में से एक है बिल्कुल कमजोर और एक बहुत है। थोड़ा सा ये रिड्यूस हो जाए और वो ज्यादा हो जाए, मैं बस इन्होंने खाने की प्लेट एक्सचेंज करनी है। आपको विराट कोहली पसंद जी? आज के बाद मेरा नाम विराट कोहली। विराट कोहली तू खाएगा मेरे को गोली। खबरदार जी अगो बोली यार, की मेरी गल हो रही है दोनों डी, वो दूसरी गल हो रही है। तू यार अपनी शुरू कर देती, क्रिकेट को आप किस तरह देखते सारे आसान करे सानू दस दी, असि तो कन्ना ना ही वेखते रहे। पसंद है सब गाना चलते, सारी दुनिया इंज गड्डी चला। कभी पठान वेखो शीशे के नाल जुड़िया होंगे। कपड़े डिगद इंडिया और श्रीलंका में अभी तक 9 T20 हो चुके हैं, और जिनमें से 5 इंडिया जीत चुका है और 4 श्रीलंका हारा हुआ है। तो आज का मैच 5 अगर इंडिया जीत चुका है और 4 श्रीलंका हारा है, तो फिर तो 9 इंडिया जीत गया। श्रीलंका
ज्यादा मजे की बात ये कि इस टीम की वजह से इस बंदे को बहुत झुकते हैं। ये तो नहीं मतलब ये था उसके शरीर समझ आ गई है। अब जवाब दे दे पांच में हाँ नहीं ठीक है ओके ठीक है वी आर फ्रेंड्स इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। ये तारक अजीज के शो में गई, तारक अजीज साहब कहने लगे नौ फलों के नाम बताओ रायमा, कहते जी अंब सेब ते सत किनू। आप जोड़ा सा देख लेंगे वापस आए पेप्सी एक्स्ट्रा कवर अभी नहीं तो आप ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं पेप्सी एक्स्ट्रा कवर अभी नहीं अब वक्त हो गया है आपके पेप्सी एक्स्ट्रा ओपिनियन का और खबर यह है कि इस वक्त इंडिया फील्डिंग करेगा लेकिन श्रीलंका के बहुत अहम प्लेयर मलिंगा आज का मैच नहीं खेल रहे। प्रोबेबली वो आउट ऑफ द टूर्नामेंट है क्योंकि उसको जो चोट लगी है मेरा नहीं ख्याल कि वो रिकवर होगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एशिया कप और अच्छा भी यही है उनकी टीम के लिए वर्ल्ड कप के लिए उसको रेडी कर लें। सो आई थिंक वो रिस्क नहीं लेंगे एशिया कप में मजीद खेलने का ना उनकी मैनेजमेंट लेगी। मलिंगी बीमार हो गए मलिंगी कौन है भाई मलिंगी जेड़ा बीमार हो गए और मलंगा दोनों की खेल एक मिनट वो एक्स्ट्रा ओपिनियन दे रहे हैं यार खान साहब एक सेकंड। हाँ जी तो बस इंडिया के लिए पहले भी आसान ही थी और अब थोड़ी सी और हो गई आप समझे 20-25% और उनकी फेवर में चली गई है मलिंगा के ना होने से। इस वन बॉलर जो रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड T20 के सर्किट में स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में आता है सो उसका ना होना प्रेशर ऑफ फ्रॉम द न्यू बॉल जो बैट्समैन ओपनर्स आएंगे इंडिया के वो इतना प्रेशर नहीं होगा। सो आई थिंक श्रीलंका हैज अ ह्यूज लॉस इन फेस ऑफ मलिंगा नॉट प्लेइंग और अदरवाइज भी अगर देखें तो इस टीम के साथ श्रीलंका का इंडिया के साथ कोई मैच नहीं है विद द बंच ऑफ बॉयज दे हैव कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी एक आधा स्पेल या एक इनिंग कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी आप देखें तो फिर शायद चांस है कि इंडिया हार जाए वरना मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया हारता है इस मैच। ठीक है श्रीलंका तो पहले भी जो बात आपने की थी उसके मुकाबले की टीम नहीं है फिर उनका मेन जो बॉलर है वो भी नहीं खेल रहा तो ये तो एक्स्ट्रा वो जीत गए ना मिरेकल मिरेकुलस परफॉर्मेंस एक चाहिए होगी इंडिया को हराने के लिए जैसे ही बदवामा करिए यानी कि जब ये तुम्हें पकड़ लेगा तैयार हो जाएंगे ना पूरी तरह तो काफी मुश्किल पैदा करेंगे चल तू भाजपा अस आ रहे चल जी नेक्स्ट टू फल दिखाइए श्रीलंका के एक ऐसे बॉलर है जिन्होंने मतलब काफी मैचेस श्रीलंका को जिताए हैं और स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है टेस्ट क्रिकेट में तो वैसे तो फिजिक से ये पहलवान लगते हैं लेकिन क्रिकेटर बहुत अच्छा है पहलवान भी हो जिन्हें डर सकते हैं यानी कि दो बेहतरीन प्लेयर्स में से एक है बिल्कुल कमजोर और एक बहुत सही थोड़ा सा ये रिड्यूस हो जाए और वो ज्यादा हो जाए मैं बस इन्होंने खाने की प्लेटें एक्सचेंज करनी है आपको विराट कोहली पसंद जी आज के बाद मेरा नाम विराट कोहली विराट कोहली तू खाएगा मेरे को गोली खबरदार जी अगो बोली फिर पीछी मेरी गल हो रही है गल होंडी वो दूसरी गल हो रही है तू यार अपनी दिन शुरू कर देती क्रिकेट को आप किस तरह देखते सारे करे सू दस नहीं असि तो कन्ना ही वेखते रहे चलाना पसंद है सब गाना चलते सारी दुनिया इंज गड्डी चला कभी पठान वेखो शीशे के नाल जुड़िया हों उस वक्त जैसी बॉलिंग आमिर कर रहा था कोई भी प्लेयर आउट हो सकता था आई थिंक ही वाज लकी एक दो मौकों पे तो बड़ी किस्मत से बचे नेक्स्ट प्लेयर दिखाइए जी बहुत अच्छे प्लेयर रोहित शर्मा
अगेन एवरेज भी हेल्दी है और स्ट्राइक रेट भी, और जितना स्ट्रोक जितना रेंज ऑफ स्ट्रोक्स इसके पास है इंडिया की टीम में, किसी के पास इतने स्ट्रोक्स नहीं है। इवन कोहली से ज्यादा शॉट मेकिंग एबिलिटी इसकी है। ये वाइस प्लेयर है जिसके वनडे में 200 है और दोनों ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। सो ही इज वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स। और अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के टूर पे 5 मैचेस की सीरीज थी तो 3 सेंचुरी है। अभी उस दिन जो मैंने बॉलिंग की थी वो इनकी टांग पर लगी थी, इनको चोट लगी थी, लेकिन ये फिर से ठीक हो गए, खेल रहे हैं। ये बिल्कुल आई थिंक वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स इंडिया एवर प्रोड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्मेट। सो और बाकी फॉर्मेट्स में भी रन करता है, सो इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर टू। बाहर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस देखी अभी तक आपने जितने मैचेस हुए? ये भी थोड़ा सा तो नहीं देख पाया जो 2-3 मैचेस हुए क्योंकि मैं शूट पे काफी बिजी रहा, लेकिन ओवरऑल देखा हुआ नौ रोड। आई थिंक इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। अकेले खड़े होकर T20 में 80 कर जाना और अगली टीम को हरा देना, आई थिंक जितना इंडिया बैटिंग में ब्लेस्ड है पाकिस्तान को अल्लाह ने बॉलर्स उतने बड़े दिए। अगर इंडिया बॉलर नहीं प्रोड्यूस कर सकता जैसे पाकिस्तान के आते हैं, और कम्प्लीटली गॉड गिफ्टेड एबिलिटी होती है, आप जिस मर्जी दुनिया के कोच को कहें कि आमिर या आसिफ या वकार भाई या वसीम भाई या इमरान खान या अब्दुल कादिर साहब, इनके जैसा कोई बॉलर निकाल के दिखा दे सारी दुनिया। ऑन दिस नोट आई श्रीलंका के प्लेयर प्रोफाइल दिखाइए। जमीरा तो बेचारा बाबा ही कमजोर है। ये सहावत भाई, ये नया बॉलर आया और ये 140 और 150 किलोमीटर को टच करता है बॉलिंग में, इतना तेज है और लंबा कद भी है। जब इसकी सेहत ठीक हो जाएगी ना तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। दे हैव अ लॉट टू रीबिल्ड ऑन, बहुत सारी चीजें उन्हें रिकैप्चर करनी पड़ेंगी। एक्सपीरियंस वाइज भी वो दोनों दे वर मल्टी टैलेंटेड लीडर्स भी थे, बेहतरीन प्लेयर थे और हर फॉर्मेट खेलते थे। आई थिंक दे वर द बैकबोन ऑफ श्रीलंका ऑब्वियसली। तो ये अलोंग विद दिलशान एंड मलिंगा ये चार पिलर्स थे श्रीलंका की टीम के, इनके अलावा तो टीम उनकी आप समझेंगे। बचा है दिलशान और मलिंगा बेचारा बहुत बीमार रहता है, दे विल हैव अ टफ टाइम बड़ी टीमों के अलावा। हो सकता है ये जीत जाए, ठीक है होने को कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ कुछ भी हो सकता है। विराट कोहली कैसा लगता है आपको एज अ प्लेयर? जी बहुत अच्छा, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अच्छा वैसे मुझे भी लगता है लेकिन पाकिस्तानी हूँ मैं, मेरी पाकिस्तानी टीम पे मैं आपको हाँ इसमें तो हम कुछ नहीं कहते, पाकिस्तानी जैसे हमारे एक्टर्स हैं या प्लेयर्स हैं ये तो सबके वो, जैसे मुझे राहुल द्रविड़ बहुत अच्छा लगता था। सब तो एक दूसरे को अगर वो अच्छा लगे तो आप कहते हैं हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स जो खिलाड़ी हैं आप जो मुझे कहते हैं आप अच्छे लगते हैं तो मैं आपको जरा प्रोफाइल दिखा देती हूँ विराट कोहली की। 33 T20 के फॉर्मेट में जिस बंदे की 50 रन की एवरेज हो और 136 का स्ट्राइक रेट हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं, और बैटिंग एट नंबर 3, ये भी नहीं कि कोई लोअर ऑर्डर का प्लेयर है जिसकी एवरेज नॉट आउट आने की वजह से आया है। सो आई थिंक ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर के स्टैट्स हैं और हर परफॉर्मेंस उसकी जो है वो लोगों को बार बार रिमाइंड कराती है कि मैं वर्ल्ड क्लास हूँ। पिछले मैच में हमारे साथ वीरू ने ज्यादती की थी लेकिन फिर भी एक बार जोरदार तालियां बजा दें विराट। खाली प्लेयर भी प्लेयर ही अच्छा नहीं है, इंसान भी बड़ा है, उसने आके वापस आमिर की भी बहुत तारीफ किया। बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि जैसे अल्लाह इज्जत दे वो दूसरों को भी इज्जत, और मानना लोगों के सामने आके कि मुझे प्रेशर। इंडिया हार सके बदुआ से मुझे याद आया फिर के सामने एक बदुआ बैठी है, इनके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने तो करो बदुआ लगी कि जा तेरे सिर से को बाल ही ना रहे। मैनू कहंदे क्रिस गेल ले लो बड़ा मारेगा। उन्हें इन्ना कमा रहा जो तो हॉस्पिटल जाके आंख खोली तो मेरे सराहने डॉक्टर कह रहे सी एक थगिंग गैंगस्टर। वाल आ सकते तुसीं ना कान कसया करो अपने वड़े वड़े वाल निकल आउणगे तुहाडे मलंगे तो भी वड़े हो जाणगे। जे
यार खान था ना, ये खान था ना, फिर से खाना देखो, खाना खाना को जरा आप समझाना, खाना सलमान एक लगाना। मेरा सवाल ये है कि जय वर्धने और संगकारा एक वक्त में चले गए, कि एक नुकसान दे रहा है ना श्रीलंका के लिए बहुत। ऑब्वियसली दोनों श्रीलंका के नहीं, दुनिया के टॉप प्लेयर्स में थे दोनों, टॉप बेशक। अगर 10 प्लेयर्स में दोनों का नाम लिया जाए तो बिल्कुल मेरिट सेट की बात नहीं होगी। सो ऑब्वियसली उनके जाने से बैटिंग में बहुत बड़ा गैप आया श्रीलंका की, और पीछे जैसे हमने बात की कि इंडिया के पास हर प्लेयर का मतबादल मौजूद होता है, इनके पीछे जिन लड़कों को अब ये लेकर आए हैं वो लग रहा है कि दे आर फार अवे फ्रॉम दैट क्लास, इनको बहुत खेलना पड़ेगा उस लेवल तक आने के लिए। सो आई थिंक श्रीलंका के पास बहुत